सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुखिया पद हेतु उम्मीदवार मीरा देवी, निवेदक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजीत शाह, पंचायत बसघट्टा प्रखंड कटरा जिला मुजफ्फरपुर। वहीं मीरा देवी ने बताया, जीतने के बाद सर्वप्रथम अपने पंचायत की महिलाओं के लिए घर पर रोजगार की व्यवस्था कराना हमारा लक्ष्य है। वहीं निवेदक अजीत शाह ने बताया, हमारे पंचायत का विकास अधूरा है, भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में दीमक की तरह गरीबों का खून चूस रही है, सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं दिख रही है। श्रीमती मीरा देवी, मुखिया प्रत्याशी। कौन से पंचायत से हैं? बसघट्टा पंचायत से। अब ये बताइए कि आप एक नारी हैं, तो नारी के मान सम्मान के लिए काम करेंगी? जी, वो जरूर करेंगे। मतलब जो भी नारी के साथ समस्या आएगा, रात दिन आप उसमें खड़ी रहेंगी? जी, रात दिन खड़ी रहेंगी। और ये बताइए कि नारी के अपने पाँव पर खड़े होने के लिए कोई काम, आत्मनिर्भर बनने के लिए, जैसे उनको कुछ काम धाम सिखाना, कुछ करना, वो चीज़ करेंगी क्या? जी करेंगे, बस ये हो गया, सिलाई हो गया, कटाई फिलाई सब हो गया, ये सब करेंगे सर। मतलब सिलाई कटाई बुनाई ये सब, जो पेंटिंग है और कंप्यूटर का, ये सब कोर्स करके अब बालिकाओं को, लेडीज को आत्मनिर्भर बनाएंगे? जी जी। चलिए, आपकी बहुत अच्छी सोच है, ऐसे जो है नारियों का उत्थान होगा। सिटी न्यूज़ की टीम कटरा ब्लॉक का भ्रमण कर रही है, इसी क्रम में हमारे साथ अजीत शाह जी हैं। अजीत शाह जी, अपना पूर्ण परिचय दीजिएगा। सबसे पहले तो सिटी न्यूज को नमस्कार, मेरा नाम अजीत शाह है। और मुखिया प्रत्याशी कौन हुई? मुखिया प्रत्याशी श्रीमती मीरा देवी, मेरी वाइफ। किस पंचायत से? बसघट्टा पंचायत से। अब शाह जी, ये बताइए कि आपका जो घर है इसी पंचायत में है और इसी पंचायत से आप मुखिया प्रत्याशी हैं? जी। तो आप ये बताइए कि इतने दिनों से आप अपने पंचायत में रह रहे हैं, पंचायत का क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ समस्या है या क्या कुछ विकास होना है, आपके अपने नज़र से बताइए। जी, बहुत सी समस्या ऐसी है जिस समस्या से हमारे समाज, हमारे पंचायत के समाज सब अवगत है। बहुत सा काम हुआ है, बहुत सा काम अधूरा है, कोई भी ऐसा सरकारी योजना नहीं है जिसमें कुछ लिया न गया हो। मतलब बगैर घूस घास के जनता को कोई सरकारी योजना नहीं मिलती? जी नहीं, बिल्कुल। ये हमसे आप पूछ रहे हैं, आप हमारे पंचायत के एक एक समाज से पूछेंगे तो यही बताएंगे कि बिना लिए दिए कुछ नहीं हुआ है। और जो समाज सेवी रहे हैं, जो प्रतिनिधि रहे हैं, वो भी बगैर लिए दिए काम नहीं किए हैं। अब ये बताइए कि योजनाएं तो बहुत सारी आई है और आपने ई ग्राम पोर्टल पर सब चीज़ दिखाया हमें, तो जो जितनी योजनाएं आपके पोर्टल पर दिखा रही है आपके पंचायत में, वो धरातल पर उतरा है कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं उतरा, वो कागजों में ही सिमट कर रह गया। जी, कागजों में सिमट कर रह गया। शाह जी, आपने अपने पंचायत की तो समस्या बताई, लेकिन आप अपने पंचायत से मुखिया पद के दावेदार हैं, तो क्या कुछ सोच है आपके अपने पंचायत के लिए, ये जनता को बताइए। हमारा ये सोच है कि हमारी वाइफ जो मीरा देवी है, मुखिया प्रत्याशी, अगर उनको हमारे समाज रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, अगर वो जीतती है तो पूर्ण रूप से समाज से भी बनी रहेगी, और ब्लॉक लेवल पर जो भी चीज़ें आती है उससे हमारे जितने भी, हमारे पंचायत में जितने भी वार्ड है, उस वार्ड को साथ बिठाया जाएगा और वार्ड के सामने निर्णय होगा कि उस चीज़ को, उस चीज़ को कैसे 15 वार्ड में वितरण किया जाए। मतलब क्या है कि आम सभा करके तभी कोई योजना करेंगे? जी, हो सकता है तो हम आम सभा बुलाएं, अगर आम सभा ना बुला पाए तो हमारे 15 वार्ड जो होंगे हमारे साथ बैठेंगे, ब्लॉक से जो भी चीज़ हमें प्रोवाइड होगा हम एक एक समाज, एक एक जनता को हम देंगे। अब ये बताइए कि जैसे जो पुराना जो परंपरा है आपका मुखिया का, वो पुराने परंपरा को निभाएंगे या उसको तोड़ के नया परंपरा बनाएंगे? हम जैसे समाज के कुछ ऐसे समाज हमारे हैं जिनको बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी है, उनको वो चीज़ पहुंच नहीं पाया जो एक एक चीज़ पहुंचना चाहिए हमारे समाज को, तो हम चाहेंगे कि उनको हर वो चीज़ मिले जो ब्लॉक से प्रोवाइड होता है। मतलब क्या है कि आपका जो मुखिया का पद होगा वो सेवा के लिए होगा? जी बिल्कुल। व्यापार नहीं होगा? जी बिल्कुल, व्यापार नहीं होगा। हमारी पत्नी श्रीमती मीरा देवी जो मुखिया प्रत्याशी है, अगर जीतती है तो वो सिर्फ सेवा करेगी, और जो भी योजना आएगा तो वार्ड की जनता है वही काम करेगी, ठेकेदारी आप नहीं करिएगा। जी,
मुखिया का जो दायित्व होता है वो पूर्ण रूप से निभाएगी। मुखिया का काम है कि समाज सेवा करना, ना कि ठेकेदारी करना। और ये बताइए कि समाज आपसे पूछता है कि आप ही की सौजाति पहले से जनप्रतिनिधि थे जिनका कार्यकाल जनता कहती है कि ठीक नहीं हुआ, तो आप क्या कहते हैं, वैसे ही आप करेंगे या फिर अलग कुछ होगा? जी नहीं, हम बिल्कुल बदलाव करेंगे जिससे समाज के हित के लिए अच्छा हो। शाह जी ये बताइए कि जनता जनार्दन अगर आपको चुनती है तो किस कैसे आप उनसे संपर्क स्थापित करेंगे? जनता के बीच रहेंगे आप, जनता के द्वार मुखिया, या मुखिया के द्वार जनता? हम तो हमारे पूजनीय जनता जनार्दन है, उनके ही माध्यम से, उनके ही सहमति से हम बने रहेंगे। मतलब क्या है कि जनता के द्वार ही आप रहेंगे? जी जी बिल्कुल। जनता को परेशान नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें उनको वो सेवा देना है, हम उनका सेवक बनना चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं। चलिए, सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।